हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आर पी एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड दियर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके बीएससी जी सिक्स सेमेस्टर और इसके अलावा जो अन्य एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन यहाँ पर बैक्टोसेरा कुकुरबिटी, लिसिनोइड्स आर्बोनेलिस, पेरिस ब्रेसिकी। तो इसमें जो फ्रूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम होता है बैक्टोसेरा कुकुरबिटी होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा है लिसिनोइड्स आर्बोनेलिस, ये ब्रिंजल का सूट एंड फ्रूट बोरर इंसेक्ट है जो कि ब्रिंजल और जो सोलेनेसी कुल के प्लांट्स हैं उनके ऊपर ये अटैक करता है। और जो फ्रूट फ्लाई है बैक्टोसेरा कुकुरबिटी, ये मेनली जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं जैसे लौकी, करेला, तुरई, कद्दू, ककड़ी, खरबूजा, खीरा, टिंडा, चिचिंडा, इन सबको नुकसान पहुँचाती है। इसके अलावा टमाटर है, बैंगन, अमरूद, पपीता पर भी इनका अटैक देखने को मिलता है। पेरिस ब्रेसिकी, ये जो इंसेक्ट है ये कैबेज बटरफ्लाई के नाम से इसका जो कॉमन नेम होता है कैबेज बटरफ्लाई है। और ये बंद गोभी, फूल गोभी, सलजम, मूली, सरसों या जो अन्य क्रूसीफेरी कुल के प्लांट्स हैं उसके ऊपर ये देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेड पंपकिन बीटल का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है यहाँ पर रेबडोपल्पा फेविकोलिस, रेबडोपल्पा इंटरमीडिया, रेबडोपल्पा सिंटा या फिर आल। तो रेड पंपकिन बीटल ये कद्दू का लाल कीड़ा के नाम से जानते हैं इसको, और इसकी तीनों स्पीसीज पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आल वाला। ये जो रेबडोपल्पा फेविकोलिस है ये लाल रंग का पाया जाता है, और जो रेबडोपल्पा इंटरमीडिया है ये काले रंग का होता है, और रेबडोपल्पा सिंटा ये भूरे रंग का होता है। जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं सबके ऊपर इनका अटैक देखने को मिलता है, जैसे कद्दू, लौकी, तुरई, टिंडा, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि पर काफ़ी अधिक मात्रा में ये देखे जा सकते हैं। शुरुआती अवस्था में अटैक करते हैं और फसल को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड्डा भ्रंग का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन यहाँ पर एपिलेक्ना विजिंटियोका पंकटाटा, एपिलेक्ना डोडेक कैस्टिग्मा बोथ या नफी नाम नान ऑफ। तो जो हड्डा भ्रंग है इसका वैज्ञानिक नाम एपिलेक्ना विजिंटियोका पंकटाटा भी होता है और एपिलेक्ना डोडेक कैस्टिग्मा भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बोथ वाला सी सही होगा। ये आपके कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी कुल के प्लांट्स पर अटैक करता है, अधिकतर ये सोलेनेसी कुल के प्लांट्स पर पाया जाता है। इसके ये मेन होस्ट होते हैं जैसे आलू, बैंगन, टमाटर और करेला। इसके बाद अगला कीट है मैंगो मिली बग का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन यहाँ पर ड्रोसिका मैंगी फेरी, एमरीटोडस एटकिनसोनी, एप्सिल्ला सिस्टेलाटा, बैक्टोसेरा रूफो मैकुलाटा। तो जो मैंगो मिलीबग है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसिका मैंगी फेरी है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैंगो मिलीबग को हम अन्य नाम जैसे सफ़ेद मूंगा, सफ़ेद फूंगा, आम का मतकुड़ या गुजिया कीट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एमरीटोडस एटकिनसोनी या फिर आइडियोसेरस एटकिनसोनी भी मिल सकता है, तो दोनों जीनस याद रखेंगे। ये आम का चिंपा, लस्सी या तेला या फुदका या फिर थाला कीट के नाम से जानते हैं। इसका मेन होस्ट प्लांट आम है। अगला जो एप्सिला सिस्टेलाटा है ये आम का साइला कीट है, ये भी आम पर ही अटैक करता है। इसके अलावा बैक्टोसेरा रूफो मैकुलाटा, ये मैंगो का स्टेम बोरर इंसेक्ट है। ये आम, अमरूद, अनार, अंजीर, कटहल, लोकाट, शीशम, नींबू, सेब और शहतूत पर पाया जाता है। ये इनके मेन होस्ट प्लांट होते हैं, इसमें आम इनका मुख्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बार कीटिंग कैलरपिलर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन यहाँ पर डाइफोर्निया सिट्राई, पैपिलियो डेमोलियस, इंडारबेला क्वाड्री नोटाटा, फाइलोकनिस्टिस सिट्रेला। तो जो बार कीटिंग कैलरपिलर है इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है इंडारबेला क्वाड्री नोटाटा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अलावा जो
डाइफोर्निया सिट्राई है, ये नींबू का साइला रोग है जो कि कीट है जो कि नींबू वर्ग के सभी पौधे पर अटैक करता है। और ये जो बार्क ईटिंग कैटरपिलर है, ये इसको हम छाल वेधक इल्ली के नाम से भी जानते हैं। ये आम, आंवला, अनार, अमरूद, नींबू, लीची, लोकाट, चीकू और बेल आदि पर अटैक करता है। इसके अलावा जो पैपिलियो डेमोलियस है, ये इसको हम लेमन बटरफ्लाई, नींबू की तितली या फिर नींबू की सुंडी के नाम से जानते हैं। ये सिट्रस फ्रूट्स पर अटैक करता है। इसके अलावा जो फाइलोकनिस्टिस सिट्रेला है, ये इंसेक्ट को हम सिट्रस लीफ माइनर के नाम से जानते हैं। और ये नींबू वर्गीय जो प्लांट्स होते हैं उस पर अटैक करता है, जैसे नींबू, संतरा, पोमेलो है, बेल है, सिनोमोनिया, इन पर भी ये अटैक करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनार बटरफ्लाई का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन यहाँ पर है विराकोला, आइसोक्रेट्स, ओफिडेरेस स्पीसीज, एकोया जेनाटा, कैल्पे इमर्जिनाटा। तो जो अनार की बटरफ्लाई है, इसका वैज्ञानिक नाम विराकोला आइसोक्रेट्स है, जो कि अनार, अमरूद, लोकाट, इमली, संतरा, आंवला, सेब, सीताफल, चीकू आदि पर पाया जाता है। मेनली इसका होस्ट प्लांट अनार है। इसके अलावा जो अन्य बताए वो सब इसके अन्य होस्ट हैं, अगर ये नहीं मिलता तो उस पर ही पाया जाता है। और ये जो यहाँ पर ओफिडेरस स्पीसीज, एकोया जेनाटा और कैल्पे इमर्जिनाटा है, ये तीनों फ्रूट सकिंग मौथ हैं, यानी जो फल को सक करने वाले सलभ हैं, चूसने वाले। इनके जो होस्ट प्लांट होते हैं मीठे नींबू हैं, नारंगी, आम, सेब, नाशपाती, अनार, लीची, लोकाट, अमरूद पर ये पाए जाते हैं। ये तीनों आपको याद रखना कि ये फ्रूट सकिंग मौत है। अगर पूछता है आपसे तो इसमें कौन सा फ्रूट सकिंग मौत नहीं है, तो इन तीनों के अलावा जो अन्य ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोटैटो ट्यूबर मौत का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन है यहाँ पर थोरमिया, एपरकुलल्ला, प्लूटेल्ला, जाइलोस्टेल्ला, कार्पोमोया, विसुवियाना, साइलस, फार्मिकेरियस। तो जो पोटैटो ट्यूबर मौत है उसका वैज्ञानिक नाम थोरमिया एपरकुलल्ला है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये जो पोटैटो ट्यूबर मौत है, ये मेनली आलू, टमाटर, बैंगन और तंबाकू में देखने को मिलता है। और जो प्लूटेल्ला जाइलोस्टेल्ला है, ये डायमंड बैक मौत के नाम से जानते हैं इसको, DBM। ये कॉलीफ्लावर, कैबेज, रेडिस, इन सब पे पाया जाता है। इसके अलावा मस्टर्ड है, ब्रिंजल और जो क्रूसीफेरी और सोलेनेसी कुल के जो अन्य प्लांट्स हैं उस पे ये देखने को मिलता है। इसके अलावा कार्पोमिया विसुवियाना, ये जो कार्पोमिया विसुवियाना है, ये बेर फ्रूट फ्लाई है, ये मेनली बेर पर पाया जाता है। इसके अलावा जो साइलस फार्मिकेरियस है, ये स्वीट पोटैटो का वीविल्स हैं जो कि शकरकंद में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्डर लेप्टोप्टेरा के कीट हैं, ऑप्शन यहाँ पर पोटैटो ट्यूबर मौत, फ्रूट सकिंग मौत, अनार बटरफ्लाई आल। तो जो आर्डर लेप्टोप्टेरा के कीट हैं उसमें पोटैटो ट्यूबर मौत भी है, फ्रूट सकिंग मौत भी है और अनार बटरफ्लाई है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके अलावा जो आपके बार्क ईटिंग कैटरपिलर है, लेमन बटरफ्लाई, ब्रिंजल, सूट एंड फ्रूट बोरन इंसेक्ट है, DMB है, DBM जिसको हम डायमंड बैग मौत के नाम से जानते हैं, और कैबेज बटरफ्लाई है, सिट्रस लीफ माइनर है, ये सभी कीट आपके लेप्टोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्डर डिप्टेरा के कीट हैं, ऑप्शन है यहाँ पर बेर फूड फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, बोथ या फिर नान ऑफ दिस। तो जो बेर के यहाँ पर डिप्टेरा, आर्डर डिप्टेरा या गढ़ डिप्टेरा के जो कीट हैं, इसमें बेर फ्रूट फ्लाई भी है और फ्रूट फ्लाई दोनों आते हैं। दोनों फ्रूट फ्लाई डिप्टेरा कुल के आर्डर के हैं, तो इसमें बोथ वाला ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्डर हेमिप्टेरा से संबंधित कीट हैं, ऑप्शन यहाँ पर सिट्रस साइला, मैंगो साइला, मैंगो लीफ हॉपर्स, मैंगो मिलीबग या फिर आल। तो इसमें हेमिप्टेरा में दोनों साइला आपके सिट्रस और मैंगो दोनों पे साइला पाए जाते हैं, ये दोनों हैं। इसके अलावा मैंगो लीफ हॉपर और मैंगो मिलीबग ये भी हेमिप्टेरा गण के हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई वाला सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है,
ऑर्डर पोलियोप्टेरा से संबंधित कीट हैं। ऑप्शन यहाँ पर रेड पंपकिन बीटल्स, इपीलेकना बीटल्स, स्वीट पोटैटो बीटल्स या फिर ऑल। तो जो ऑर्डर पोलियोप्टेरा है उससे संबंधित इसमें रेड पंपकिन बीटल्स भी है, इपीलेकना बीटल्स भी है और स्वीट पोटैटो बीटल्स भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेड पंपकिन बीटल किस कुल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर ट्राइपिटिडी, क्राइसोमेलिडी, पायरा लीडिडी, प्लूटेलिडी। तो जो रेड पंपकिन बीटल्स है ये क्राइसोमेलिडी कुल से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ट्राइपेडिडी में आपके फ्रूट फ्लाई आ जाएंगे और जो बेर का फ्रूट फ्लाई है और जो कुकुरबिटेसी में लगता है, दोनों फ्रूट फ्लाई ट्राइपेडिडी कुल से संबंधित हैं। इसके अलावा पायरी लीडिडी जो है ये ब्रिंजल का जो सूट एंड फ्रूट बोरर है ये आपका आ जाएगा। प्लूटेलिडी में डायमंड बैक मोथ ये इंसेक्ट आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इपीलेकना बीटल्स किस कुल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है कॉक्सी डी, सीके डीलिडी, पीरिडी, कॉक्सी नेलिडी। तो जो इपीलेकना बीटल्स है ये कॉक्सी नेलिडी में आ जाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और जो कॉक्सी डीडी है ये इसमें मैंगो मिली बग आता है। सीके डीलिडी में मैंगो लीफ हॉपर या आम का जो फड़का रोग है, फड़का कीट है ये आता है। पीरिडी जो कि कैबेज बटरफ्लाई है ये पीरिडी में आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेमन बटरफ्लाई किस कुल का कीट है। तो लेमन बटरफ्लाई जो है इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर साइलिडी, सेरा बीसीडी, पैपिलियोनिडी और मेटारबेलिडी। तो जो लेमन बटरफ्लाई है ये पैपिलियोनिडी कुल का है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। साइलिडी कुल में आपके जो साइला हैं दोनों, जिसमें आपका मैंगो और सिट्रस दोनों साइला साइलिडी फैमिली में आ जाएंगे। और सेरा बीसीडी में मैंगो स्टेम बोरर आ जाएगा और मेटारबिलिडी में बार्क ईटिंग कैटरपिलर ये मेटारबिलिडी में आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनार बटरफ्लाई किस कुल का कीट है। ऑप्शन यहाँ पर है ग्रेसी लेरिडी, लीके सीनिडी, नॉक्टिडी, गेले चिडी। तो ये चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। जो अनार का बटरफ्लाई है वो लीकेन सीनिडी कुल का है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्रेसी लेरिडी कुल में सिट्रस लीफ माइनर आता है, नॉक्टिडी में फ्रूट सकिंग मॉथ आ जाते हैं और गेले चिटी में पोटैटो ट्यूबर मॉथ आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सारंग मधुमक्खी है एपिडार्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, मेलिपोना स्पीसीज। तो जो सारंग मधुमक्खी है एपिस डार्सेटा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एपिडार्सेटा जो कि संपूर्ण भारत में पाई जाती है और ये सबसे लंबी होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो 20 मिलीमीटर के करीब पाई जाती है यानी 2 सेंटीमीटर। और इससे इसके जो छत्ते होते हैं उससे 15 से 40 किलोग्राम एक छत्ते से शहद प्राप्त होता है। इसके अलावा जो एपिस इंडिका जो है इसको हम भारतीय मौना के नाम से जानते हैं, जो ये भी संपूर्ण भारत में पाई जाती है और ये एपिस डार्सेटा से छोटी होती है, लगभग 5 मिलीमीटर छोटी होती है, ये 15 मिलीमीटर की पाई जाती है। और इनके छत्तों से शहद भी कम प्राप्त होता है, लगभग 3 से 4 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। इसके अलावा एपिस फ्लोरिया जो है इसको हम भृंग मधुमक्खी के नाम से जानते हैं और इसके प्रत्येक छत्ते से बहुत ही कम मात्रा में लगभग 250 ग्राम शहद प्राप्त होता है, लेकिन इसका जो शहद होता है वो सबसे मीठा होता है। अगली है मेलिपोना स्पीसीज। मेलिपोना जो स्पीसीज है इसको हम डंपर मधुमक्खी के नाम से जानते हैं और ये सबसे छोटी मधुमक्खी है और इसमें डंक भी नहीं पाए जाते हैं, डंकहीन मधुमक्खी के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा एक यूरोपियन बी है एपिस मेलीफेरा, ये भारतीय मौना की तरह ही होती है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं इनका जो आर्डर है ये हाइमेनोप्टेरा है और ये फैमिली एपिडी कुल की हैं। इनकी जो फैमिली एपिडी है और आर्डर इनका याद रखना हाइमेनोप्टेरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा रेशम कीट भारत में अधिक पाला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है एंथेरिया, पैफिया, फिलोसेमिया, रिसिना, थियो
पहला रेलिजियोसा बाम्बिक समुराई, तो भारत में सबसे अधिक बाम्बिक समुराई सैतूत वाला पाला जाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो एंथेरिया पैफिया है, इसको हम टसर रेशम कीट के नाम से जानते हैं। ये मेनली बेर है, गूलर है और साल के वृक्षों पर पाया जाता है, और ये बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश में ये मेनली पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा है फिलोसेमिया रिसिना, फिलोसेमिया रिसिना इसको एरी रेशम कीट के नाम से जानते हैं। ये असम में मेनली पाया जाता है, और ये जो होता है अरंडी के प्लांट्स पे मेनली देखने को मिलता है। जो तीसरा है थियो पैलो रिलीजियोसा, इसको देवा मूंगा कीट के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। और जो बम्बिक्स मुराई है, सबसे उत्तम किस्म का जो रेशम है इसी से प्राप्त होता है। इसका जो कोया होता है सफ़ेद रंग का होता है। इसके आर्डर की बात करें, जो रेशम कीट है इसका जो आर्डर या गण होता है वो होता है लेप्टोप्टेरा। ये लेप्टोप्टेरा गण का प्राणी है, और इसकी जो फैमिली है वो है बॉम्बिसिडी, बॉम्बिसिडी फैमिली का ये इंसेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लैक इंसेक्ट से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन यहाँ पर है लैसीफेर, लैका, हेमिप्टेरा, लैक्सीफेरिडी ऑल। तो जो लैक इंसेक्ट है इसमें इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है लैसीफेर, लैका, हेमिप्टेरा इसका ऑर्डर है, लैक्सीफेरिडी इसकी फैमिली है, तो इसमें ऑल वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, हनी बी का कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन है यहाँ पर एकेरिन, नोसेमा, पैरालिसिस, सेप्टिसीमिया। तो जो हनी बी है इसका, इसमें जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग नोसेमा है, जो कि काफ़ी घातक बीमारी है, और ये नोसेमा एपिस से होता है। नोसेमा एपिस से ये प्रोटोजोआ है उसके द्वारा ये होता है। इसके अलावा जो एकेरिन है, एकेरिन एक सूक्ष्म मकड़ी होती है उसके कारण होता है। और जो पैरालिसिस, पैरालिसिस जो रोग है, लकवा इसको कहते हैं या पक्षघात कहते हैं, ये वायरस के द्वारा होता है। इसके अलावा जो सेप्टिसेमिया है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, और ये बैसिलस एसपी सेप्टिसेस से लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेपराइन डिजीज किसका घातक रोग है। ऑप्शन है यहाँ पर हनी बी, लैक इंसेक्ट, सिल्कवार्म या फिर आल। जो पेपराइन डिजीज है ये सबसे ज़्यादा घातक रोग सिल्क वार्म का है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो पेपराइन डिजीज है ये मेनली यूरोप देशों में अधिक होता है। ये एक प्रोटोजोआ नोसेमा बॉम्बिसिस से लगता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अलावा इसमें एक फ्लेचरी डिजीज भी लगती है, जो कि काफ़ी अधिक घातक होती है। ये बैक्टीरियल भी होती है, इसमें एक वाइट फ्लेचरी होती है, वाइट फ्लेचरी जो कि वायरस से होती है, जबकि फ्लेचरी जो डिजीज होती है वो बैक्टीरियल होती है। इसके अलावा इसमें ग्रेसरी भी डिजीज पाया जाता है, और इसमें एक मास्कार डीन डिजीज भी होता है। तो ये इसके मेन डिजीज होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लैक इंसेक्ट का शिकारी कीट है। ऑप्शन यहाँ पर है योबलेमा, एमेबिलिस, होलोसेरा, पल्वोविया, क्राइसोपा स्पीसीज या फिराल। तो इसमें तीनों लैक इंसेक्ट के शिकारी कीट हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट का शत्रु कीट है ट्राइकोलिगा बाम्बिसिस, एसरोंसिया, स्टिक्स, गैलेरिया, मेलोनेला, एक्रोइया, ग्राइसेल्ला। तो जो रेशम कीट का शत्रु कीट है वो है ट्राइकोलिगा बाम्बिसिस, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा जो एसरोंसिया, स्टिक्स है, गैलेरिया, मेलोनेला है, और एक्रोइया ग्राइसेल्ला है, ये तीनों हनी बी के शत्रु कीट हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर मैन ये अगर हनी बी का पूछता है तो इसमें आपका ये सही होगा, ये तीनों याद कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम कहाँ स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर लखनऊ, रांची, न्यू दिल्ली, कोलकाता। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम है ये रांची में स्थित है, रांची झारखंड में स्थित है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिंग एंड गम, इसका जो पुराना नाम था वो इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय लाक अनुसंधान संस्थान था, जो नाम अब बदल करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिंग एंड गम्स कर दिया गया है। ये वहीं पर रांची में ही स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर बेंगलोर, औरंगाबाद, बेरहमपुर, वेस्ट बंगाल या फिराल। तो जो सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये बेरहमपुर वेस्ट बंगाल में है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी है। ऑप्शन है यहाँ पर इंडोसल्फान, मेलाथियान, डियाजिनॉन, डाइमेक्रॉन। तो जो मधुमक्खी के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी है इंडोसल्फान है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।